एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 20 फरवरी 2020 तो भारत के गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के जो स्टेट फाउंडेशन दे है, यानी कि 34 जो स्टेट फाउंडेशन दे है वहां पे अटेंड किया। तो यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में काफी सारे जो रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात की, वहां पे एक नया आईआईटी कैंपस भी वहां पे खोला जाएगा, तो काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर वहां पे बात की। तो आज हम यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में कुछ सालों में जो 2017 से लेकर अब तक जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया है, उसको कंप्लीट किए गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए बहुत काम कर रही है, क्यों काम कर रही है, तो जोराम कोलायरांग रोड, इसकी जो इम्पोर्टेंस है रिगार्डिंग अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे क्या है, तो इससे जो चाइना का रिएक्शन कैसा है, जो अमित शाह जी ने अरुणाचल प्रदेश विजिट किया था उसके बाद चाइना से कैसा रिएक्शन आया था, क्यों आया था, इंडिया और चाइना के बायलेटरल रिलेशंस में इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 20 फरवरी 2020 को जो अरुणाचल प्रदेश का 34th स्टेट फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, जहां पे भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अटेंड किया। तो यहाँ पे देखिए कि एक अनाउंसमेंट भी हुई कि अरुणाचल प्रदेश में जो सैंक्शन किए हुए ऑलरेडी 50,000 करोड़ रुपीज जो है रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर वहां पे खर्चा किया जाएगा, और एक आईआईटी कैंपस जिसकी टोटल लागत जो होगी 430 करोड़, वो भी अरुणाचल प्रदेश में जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेट फॉर्मेशन ये जो हुई थी अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनी थी। तो एडिशनली उसी दिन यानी कि 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भी जो है आसाम से जो है अलग होके एक स्टेट, एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनी थी। तो अरुणाचल प्रदेश पहले क्या था कि 1972 में उसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था, उसको जाना जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के हिसाब से। बाद में 1975 में एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है फॉर्मेशन की गई, और जो 1972 के बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1972 के हिसाब से एक यूनियन टेरिटरी थी, ये 1987 में जाके एक फुल फ्लेजेड स्टेट बन गई। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है काफी टाइम से जो है चाइना क्लेम कर रही है कि वो चाइना का पार्ट है। तो अगर हम लोग इंडिया के मैप में देखेंगे तो ये पोर्शन आपको पता ही है, जो पीओके जो है कश्मीर का जो ये पार्ट है ये जो पाकिस्तान जो है एडमिनिस्टर कर रहा है, देन ये जो पार्ट है चाइना को दे दिया है पाकिस्तान ने, ये जो अक्साई चीन का जो पार्ट है ये चाइना क्लेम करती है, बहुत सारे यहाँ पे जो पार्ट है ये डिस्प्यूटेड एरियाज है, ये रहा नेपाल भूटान, देन अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे जो ये जो बॉर्डर लाइन है जो मैकमोन लाइन, तो यहाँ पे इसको जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोला जाता है। तो ये लाइन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड अरुणाचल प्रदेश, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसको जो है अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा मानती है। तो यहाँ पे जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स अगर अरुणाचल प्रदेश विजिट करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लीडर्स ने वहां पे बहुत विजिट किए हैं, काफी कंस्ट्रक्शन के काम किए हैं, तो वहां पे चाइना बिल्कुल ही खुश नहीं है। तो यहाँ पे चाइना क्या क्लेम करती है कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश में कोई भी जो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स अगर वहां पे विजिट करते हैं तो उन लोग उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन है गैंग सुआंग, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो उन लोग को अरुणाचल प्रदेश की जो एग्जिस्टेंस मंजूर नहीं है, और उन लोग जो है इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स जो है उन लोग जो अरुणाचल प्रदेश में विजिट करते हैं जो चाइना जो है अपना साउथ तिब्बत का एक पार्ट मानती है, तो वो बोलते हैं जो चाइना के पॉलिटिशियंस की ये जो है चाइना के टेरिटोरियल सॉवर्निटी को वायलेट करते हैं, और यहाँ पे जो है बॉर्डर एरिया की स्टेबिलिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं इंडिया, और पॉलिटिकल म्यूचुअल ट्रस्ट हो या फिर बायलेटरल अरेंज जो एग्रीमेंट हो इसको जो है इंडिया वायोलेट कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो है
उन लोग खुद से ही ये क्लेम करती आ रही है। अगर हम लोग देखेंगे 1960s में जो इंडिया और अरुणाचल इंडिया और चाइना के जो वार्स हुए थे अरुणाचल प्रदेश में, तो कैसा यहाँ पे सिचुएशन था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया जो भी अगर कुछ स्टेप लेती है यहाँ पे, चाइना को वो कतई मंजूर नहीं है। तो यहाँ पे चाइना इंडिया को एक सलाह दे रही है कि इंडिया जो है, इंडिया अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यू ना करे जिसके हिसाब से जो बॉर्डर एरियाज है उसमें प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि इंडिया और चाइना का जो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो अगर देखा जाए 3480 किलोमीटर 88 किलोमीटर लॉन्ग है, इसमें काफी प्रॉब्लम्स होती आ रही है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे जो भी मेजर कंस्ट्रक्शन अरुणाचल प्रदेश में हुई है पिछले कुछ सालों में। पहले बात करते हैं जो भूपेन हजारिका सेतू, तो यहाँ पे देखिए इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है 9.15 किलोमीटर, जो 2017 में कंप्लीट हुई थी, जो आसाम और अरुणाचल को कनेक्ट करती है। और ये जो है लोहित रिवर में, जो एक ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरी है, जो अगर बात करेंगे आसाम के सदिया और जो अरुणाचल प्रदेश को ढोला में जो है यहाँ पे कनेक्ट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो सिसरी रिवर ब्रिज, जो एक 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, जो जोनाई पासीघाट रानाघाट रोइंग रोड को कनेक्ट करती है। स्टार्ट किया गया, जो इसकी अनावरण की गई थी 2019 में, जो यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है सियांग और डिबांग वैली में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो बियोरांग जो ब्रिज है, इंडिया का लॉन्गेस्ट 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज, जिसकी शुरुआत की गई थी 2019 में और जिसको यहाँ पे जो है बिल्ड किया था डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कुल जो खर्चा हुआ था यहाँ पे 48 करोड़ खर्चा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश के यिनकोइंग और तुतिंग जो है, इसको यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको कम किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के जो तेजू एरिया में, अरुणाचल प्रदेश के, तो वहाँ पे जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तेजू एयरपोर्ट का भी स्टार्ट किया था 2019 के फेब्रुवरी में। नेक्स्ट जो है यहाँ पे होलोंगी एयरपोर्ट, उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम चलती आ रही है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है डेवलप करती आ रही है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में थ्रू अगर हम लोग रोड कनेक्टिविटी बात करें या फिर जो एयर कनेक्टिविटी बात करें, पूरे इंडिया से काफी हर टाइम तक जो है कटा हुआ था। तो यहाँ पे देखें कनेक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है किसी भी एक एरिया का डेवलपमेंट के लिए। तो ये ग्रेजुअली जब कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी उस एरिया की डेवलपमेंट भी होगी। तो उसका अगर हम लोग एक नजारा भी देखेंगे बहुत समझ में आएगा कि मोस्ट इंप्रूव स्मॉल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए अरुणाचल प्रदेश 2019 में नंबर वन था। देन मोस्ट इंप्रूव स्मॉल स्टेट एजुकेशन, तो एजुकेशन भी यहाँ पे जो है काफी बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट जो होते थे अरुणाचल प्रदेश में, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट है, यहाँ नंबर वन पे है अरुणाचल प्रदेश। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी अरुणाचल प्रदेश में काफी जो है इंप्रूवमेंट आई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश 2018-19 में नंबर वन पे था। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव किया गया है उसका नतीजा क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग मेन टॉपिक जो है जोराम कोलोइरांग रोड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश मैप को इसको जूम इन करके दिखाया है, यहाँ पे ये जो है कोलोइरांग एरिया है। तो यहाँ पे जो है जीरो एरिया से यहाँ पे जो है यहाँ कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको जोराम कोलोइरांग रोड जो है ऑलरेडी बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए इसको जाना जाता है NH 713, जो यहाँ पे जोराम और कोलोइरांग थ्रू पालीन से यहाँ पे कनेक्ट करती है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है 20 किलोमीटर, इसको बनाया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी टोटल कॉस्ट हुई थी 148 करोड़। मैंने यहाँ पे किलोमीटर लिख दिया, सॉरी, इसके लिए ये 148 करोड़ है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगी, इसकी इंपॉर्टेंस भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे ये एज ए फीडर रोड यहाँ पे प्रोवाइड करेगी कनेक्टिविटी जो इंडिया और चाइना में, चाइना के बॉर्डर में जो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे कंस्ट्रक्ट करने की जो प्लानिंग है। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे क्या है। तो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, इसको क्या बोला जाता है, मागो थिंगबो विजयनगर बॉर्डर हाईवे, जो एक प्लान बॉर्डर हाईवे है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे इसकी टोटल जो लेंथ होगी 2000 किलोमीटर, जो यहाँ पे मैकमोर लाइन जो इंडिया और अरुणाचल प्रदेश और चाइना के जो कनेक्टिविटी में यहाँ पे बॉर्डर के थ्रू यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट किया है कि इसका टोटल जो खर्चा होगा
40,000 करोड़ इसका खर्चा होगा। तो इसको जो है एक चाइना के हिसाब से ट्रांस अरुणाचल हाईवे भी हम लोग मान सकते हैं, और यहाँ पे अरुणाचल के ईस्ट कॉरिडोर और वेस्ट कॉरिडोर को यहाँ पे कनेक्ट करेगी। तो इसको अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो देखिए ये जो है अरुणाचल प्रदेश इंडिया के मैप में, तो ये जो पार्ट है ये चाइना है, चाइना, तो ये है अरुणाचल प्रदेश के, ये है तवांग और ये है विजयनगर। तो यहाँ पे ये अरुणाचल जो फ्रंटियर हाईवे, ये आप डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं तवांग से लेके ईस्ट कामेंग, देन अपर सुवनसिरी, तुटिंग, सियांग, दिबांग वैली, चांगलांग, देसालाय, हवाई और विजयनगर यहाँ पे कनेक्ट करेगी। तो कितनी लंबी यहाँ पे रोड हो सकती है आप गैस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ब्रिजेस यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो देखिए ये जो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है इसको बनाने के लिए क्या होनी चाहिए कि कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये जो जोराम कोलोरांग हाईवे है ये क्या करेगी, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए या जो भी मैन पावर चाहिए तो उन लोग को कनेक्टिविटी करने के लिए ऐसे जो रोड से यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे, तो ताकि यहाँ पे जो है कुछ भी अगर डिस्प्यूट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो बेटर यहाँ पे सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड किया जा सकते हैं। तो यहाँ पे जोराम कोलोरांग रोड जो है ये अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का पार्ट नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो है सपोर्ट करेगी। तो इसके बारे में जो है बहुत डिटेल में जो अमित शाह जी ने यहाँ पे मेंशन किया। तो मेन यहाँ पे देखिए जो सिक्योरिटी पर्पोज है, एक तो सिक्योरिटी की चाइना की जो अगर हम बात करेंगे, जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में उन लोग करें, तो उन लोग की बहुत ही कड़ी नजर है अरुणाचल प्रदेश को, तो उसको यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे जो कनेक्टिविटी अगर होगी तो कनेक्टिविटी के जरिए उस स्टेट की यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। दूसरी यहाँ पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो इसके वजह से जो सोशल डेवलपमेंट जो है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे जो है वो किया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल में उन्होंने यहाँ पे जो स्टेट फाउंडेशन डे उसके दौरान वहां पे मेंशन किया था। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस जो अमित शाह जी का विजिट था अरुणाचल प्रदेश में, और जो जोराम कोलोरांग रोड जो है इसका जो इम्पोर्टेंस है रिगार्डिंग इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर सिक्योरिटी में, तो ये हम लोगों ने एनालिसिस किया। आशा करता है इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहे स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।